जो लोग इस वीडियो को देखेंगे। आज हम दिखाएंगे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, और ये हरियाणा जो स्टेट है, जो हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ये यहाँ पे जींद, रोहतक, सोनीपत और जितने इनमें इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ये पानी किसान के खेत में भरा हुआ है। बड़ी समस्या यहाँ की है। ये हम आज इस क्षेत्र में थे, इन हरियाणा के जिलों में हम थे, और उसमें ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जो किसान के खेत थे, क्योंकि यहाँ की जमीन पानी नहीं पी रही, वाटर लेवल ऊपर है, वाटर लेवल बढ़ रहा है इनका, और पूरी किसान की फसल बर्बाद हो रही है एक किस्म से। ये देखो कि ये पूरा घास खड़ा हुआ था यहाँ पे, पूरा आप किसान का जो इंजन है वो आप देखोगे कि ये इस तरह के इंजन आपको किसान के खेत में इसमें दिखाई देते रहेंगे। और ये लाखों हेक्टेयर जमीन मिलेगी, एक एक जिले में हजारों हजारों हेक्टेयर जमीन इस तरह की मिलेगी, जिसकी फसलें बर्बाद होती है हर साल। अगर एक साल में हम एवरेज लगावे तो फसल बहुत जगह तो होती नहीं फसल। इसके मुआवजे की बात चल रही तो सरकार और कंपनियां उस हिसाब से काम नहीं यहां पर कर रही। करनाल के अंदर धरने दे रहे हैं लोग, जगह जगह धरनों पर बैठे ज्ञापन दे रहे हैं डीसी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है, इसका समाधान सरकारों को निकालना है। इसके ड्रेनेज सिस्टम इसका क्या हो, इसमें नाले बने, इसमें अंडर पाइप लाइन से बाहर निकल सकता है, इसका जमीन का लेवल कहाँ से निकासी इसकी होती है। आप देखोगे कि एक साइड में हमारे हाईवे बन गया, एक साइड में ये रेलवे लाइन जा रही है यहाँ पे, तो इसकी निकासी कहाँ थी? क्या जब हाईवे बना निकासी का साधन नहीं इनका करा तो क्या रहा? लेकिन किसानों की जमीन छीननी जाए, कहीं ये इसका षड्यंत्र तो नहीं है कि किसान जमीन को छोड़कर चला जाए, इसको वो षड्यंत्र तो नहीं है। ये पूरी झील बनेगी, इसमें पूरी बत्ता करवे, जो आप जल मुर्गा आप देखोगे तो उसमें मिलेगा, जो आप उधर देखोगे तो पूरे इसमें एक किस्म से झील बनेगी। ये किसान के खेत है, पोल लगे हुए हैं, ये हैं यहाँ पे पेड़ थे, सब पेड़ पूरे जो उसमें पेड़ पौधे थे सब सूख गए। और इस तरह की बहुत जगह आपको इस तरह की झील हरियाणा में जब सड़क के किनारे चलाओगे तो देखने को मिलेगी, और जगह भी मिलेगी। तो हमारा यहाँ की सरकार से है, मुख्यमंत्री से है कि फसल बीमा योजना के तहत इन किसानों को जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करें, यहाँ पे आगे पानी ना भरे उनकी व्यवस्था करें, ये ड्रेनेज सिस्टम जो नाले निकलने थे वो नाले निकाल लें, ये पानी कहीं ना कहीं इसको जाना चाहिए। और जो वाटर लेवल बढ़ रहा है इस पे सरकार एक काम करे। आपने ये चीजें दिखाई, हमने आपने देखी, तो इसलिए संज्ञान में जाना चाहते थे कि अगर आंदोलन होंगे तो फिर कहेंगे जी ये किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान फिर आगे जी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन तो होंगे, अगर समस्या होगी तो आंदोलन होगा। किसानों को अपनी बात कहने का हक है और वो अपनी बात कहता रहेगा। हरियाणा में हम हैं तो हरियाणा की बात हमने करी, तो आप सब लोगों का धन्यवाद। आपको ये चीजें दिखाने थी कि हरियाणा के किसान किस हालात में जी रहे, इनके परिवार का क्या हाल होगा जब यहाँ पे फसलें पैदा नहीं होगी, और बहुत यहाँ पे गेहूं बर्बाद हुए, धान, यहाँ की जो कपास थी वो बर्बाद हुई, तो कई फसलें यहाँ की बर्बाद हो रही है। किसान बोता है तो वो पूरा पानी में डूब क्षेत्र में चल जाती है, बारिश हुई डूब क्षेत्र में गई, किसान की फसल बर्बाद हुई। तो इन सब लोग चीजों पर सरकार संज्ञान ले। आप सभी का धन्यवाद।